अब हम कहीं आए और स्लोमो शॉट्स ना हो तो मजा कैसे आएगा। तो पेश है आपके सामने कुछ खूबसूरत स्लोमो शॉट्स। तीन दिन हो गए पूरी नींद लिए, अब उसकी अलग कहानी है कि भाई क्यों नहीं लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रॉ वीडियो मेरा स्टाइल नहीं है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत सिनेमैटिक अच्छे से कर सकूँ। अगर काशी विश्वनाथ पे बनाया हुआ मेरे चैनल का आप सबसे पहला वीडियो देखेंगे, उस पर लगभग 15,000 व्यूज़ गए थे, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। तो मेरा मन करता है कि वैसा एक वीडियो मैं अभी भी बनाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी नींद पूरी नहीं रहती है तो आपके अंदर वो जो क्रिएटिवनेस है ना, वो बाहर नहीं आ पाती। तो आई होप कि आज मेरी नींद पूरी हो जाए, तो कल या परसों में जो काशी विश्वनाथ का वीडियो आएगा वो थोड़ा सिनेमैटिक करने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहुँच गया हूँ मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और कॉरिडोर आने के बाद मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो गंगा नदी के किनारे 5-10 मिनट वक्त बिताना, क्योंकि मन शांत हो जाता है। आज है 14 तारीख, टाइम हो रहा है सुबह 6:10, और आज की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की लेटेस्ट अपडेट। सुबह आने का थोड़ा यही फ़ायदा रहता है कि ये सब चीज़ें आप पास से देख सकते हैं, क्योंकि एक बार काम चालू हो जाएगा तो आने नहीं देंगे। अच्छा खासा टूट गया है, लेकिन ये बीच से क्यों तोड़ा जा रहा है मुझे पता नहीं है। अगर किसी को कुछ जानकारी है तो वो कमेंट में बता सकता है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी जितने छोटे वाले थे वो सब तो हटा दिए गए, वो सब तो खाली हो गए, खाली ये बड़ा वाला बचा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी मुझे लग रहा है आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा क्योंकि पीछे जो है सूरज है। आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है, देख रहे हैं आप सामने ये जो मैं आपको उस साइड से दिखाया, ये सारे जो टंकी के छोटे वाले हिस्से थे वो तो ख़त्म हो गए, और ये सारे टूट के देखे यहाँ पे गिरे हुए हैं, और काफ़ी बड़ा पोर्शन गिरा है। और देख रहे हैं अब सबसे बड़ा मैटर ये है कि अब ये गिरा, इससे सीढ़ियों को नुकसान पहुँचा, देखिए इसका मलबा कहाँ तक गया है, पूरा वहाँ तक गया मलबा। अभी सुबह सुबह भी लोग लगे हुए हैं इसको हटाने के लिए, एक यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि अभी भी जो नीचे का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा अभी भी काम बाकी है। नीचे का भी थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ है, उसको निकालने के लिए ये वाली गाड़ी लगी हुई है। मुझे लग रहा है मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर इसको भी गिरा ही दिया जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इस छोटे वाले हिस्से को गिराने में यहाँ तक मलबा आया है, तो इसको गिराने में तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा, पता नहीं मेरा ज्ञान देना सही है कि नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको गिराने से फिर वही सीढ़ियों को नुकसान पहुंचेगा, वापस सीढ़ियाँ उखड़ेंगी, वापस सीढ़ियाँ लगेंगी। देखिए इस साइड से ये तो महारानी का नेकलेस लग रहा है पूरा। अभी आज दिन भर लग रहा है इसकी सफाई होगी। मैं आया था देखने के लिए कि सीढ़ियों को कोई खास नुकसान पहुँचा है कि नहीं, लेकिन अभी इधर की सीढ़ियों को कुछ खास नुकसान तो नहीं पहुंचा है, ये तो साफ सफाई से हट जाएगा। इसके नीचे अगर कुछ हुआ हो तो पता नहीं, ये सीन से आपकी नज़र नहीं हट रही होगी, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अभी तो मेरे को लग रहा है कि टंकी तो टंकी गिरेगा, इसकी सफाई में भी 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, लेकिन सबसे खूबसूरत तब लगेगा कि जब आप दशाश्वमेध घाट के पास खड़े रहेंगे और वहीं से आपको ये कॉरिडोर सीधा सीधा दिखाई देगा, बहुत अच्छा लगेगा देख के। तो टंकी का अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, अब मैं आपको थोड़ा रैम की तरफ ले चलता हूँ, देखो रैम का काम कहाँ तक पहुँचा है। सिर्फ 1 दिन में आने पे अच्छा खासा काम आगे बढ़ चुका है। पिछली बार रैम वाले में आपको दिखाया था कि यहाँ पे मिट्टी है, लेकिन अभी यहाँ पे ढलाई हो चुकी है और रैम बन चुका है, और यहाँ पे पानी डाल दिया गया इसलिए मैं आगे नहीं आ सकता। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि योगी जी लगातार विजिट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है काम के प्रोग्रेस में काफ़ी तेज़ी आने वाली है। इसलिए मैं देख रहा हूँ सामान बहुत सारे आए हैं, काम अभी कुछ खास आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन सामान काफ़ी सारे आ चुके हैं। कहीं कहीं कुछ YouTube चैनल्स पर मैं कमेंट भी देख रहा था, और लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं कि इसका काम कब ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग बता भी रहे हैं कि 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 1-2 साल के पहले काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि कॉरिडोर के अंदर काम चलता ही रहेगा, बाहर के काम हो सकता है कि साल भर
साल भर उससे कम नहीं, साल भर से पहले ख़त्म नहीं होने वाले। इस तरफ के सेक्शन में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि ये जो बिरला यात्री निवास है इसको अभी तोड़ के गिराया जाएगा। ये जब गिरेगा उसके बाद ही यहाँ पे कुछ आगे काम लगेगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये रैम का काम ही इस सेक्शन में चालू है। जैसे हमारे देश में जेसीबी की खुदाई देखने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, लोगों को ये सब देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी भीड़ यहाँ सिर्फ यही देखने में टाइम पास करती है। और ये जो आप सामने पानी देख रहे हैं ना, वो वहाँ से पानी आ रहा है। वो किस चीज़ का पानी है मालूम नहीं, क्योंकि वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि खतरा ज़्यादा है वहाँ पर। ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था उसको अच्छा खासा जेसीबी ने हटा दिया है, लेकिन अभी जो है सरिया काटने का काम चल रहा है, क्योंकि सरिया काटेंगे उसके बाद ही ये हिस्सा निकाला जाएगा। देखिए दो मशीनें लगी हैं, एक वहाँ लगी हुई है जो मलबा हटाने का काम कर रही है, और एक ये जो लगी हुई है जो बड़े पत्थर हैं उनको तोड़कर छोटा करने के लिए, ताकि उसे हटाने में यहाँ से आसानी हो। मुझे लग रहा है कि आज भर में ये टूट जाएगा, कल मैं आऊँगा तो शायद ये भी ना दिखे, सिर्फ मलबा ही नज़र आए। देखिए थोड़ी देर पहले मैं आपको यहीं पे जो हिस्सा दिखा रहा था, देखिए एक घंटे के अंदर अंदर वो पूरा हट के खाली हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि काम बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस में है, और अच्छी बात यह है कि सीढ़ियों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है जो मुझे लग रहा था पहले। मिर्ज़ापुर के पत्थर हैं भाई, मज़बूत हैं। ये पानी जो मैं एक दो दिन पहले आपको दिखा रहा था, ये सारा पानी मंदिर के अंदर से आ रहा है। जो लोग हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं, वो सारा पानी यहीं से आके यहाँ से गिरते गंगा जी में जाता है। तो आज की अपडेट यहीं ख़त्म होती है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लगातार अपडेट्स पाने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।